our next topic is creating positive and conducive environment for early childhood and care education so young children learn by interacting with their environment with their children and with adults learning is an active and creative process in which children are working at making sense of the world around them we need to give them the opportunity to engage in this process purposefully and actively तो बाई यूजिंग ऑल फाइव सेंसेस एंड देयर इमेजिनेशन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हम उनके अंदर एक कंडूसिव एनवायरनमेंट पैदा करके उनके इर्द गिर्द उनको बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं देखिए ये ये बात तय है कि बच्चे इंटरेक्ट करने से सीखते हैं वो इंटरेक्ट किस किस से करते हैं वो इंटरेक्ट अपने इर्द गिर्द के लोगों से करते हैं अपने इर्ग गिर्द के माहौल से करते हैं अगर वो क्लासरूम में है और क्लासरूम में बहुत से ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जैसे हमने अर्ज़ किया हम मैथ के लिए या साइंस uh, के लिए या इंग्लिश uh, की जो मुख्तलिफ किताबें हैं वो रखेंगे तो बच्चे उनसे इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन से वो सीखते हैं अब ये इसी इसी के इस की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो सेफ़ भी हो साउंड भी हो और इट शुड बी कंड्यूसिव टू लर्निंग यानी लर्निंग के मौाक़े जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले तो अब देखिए कि हमारी जो 2009 की पॉलिसी थी उसमें हमने जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल थे या जो जैसे आ, ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर प्राइमरी सेक्शन मौजूद है वहाँ पर हमने उनको ई सी के रूम्स जो हैं वो एलोकेट किए और उन रूम्स में डिफरेंट कॉर्नर्स जो थे वो एलोकेट कर दिए गए उनकी एक्टिविटीज़ के लिए और ये कॉर्नर्स जो थे ये इनको ख़ास मटेरियल या इक्विपमेंट के ज़रिए सजाया गया ताकि बच्चों की तवज्जो का बायस बने और फिर ये कि वो जब चाहें जिस कॉर्नर या जिस गोशे में जाएं वहाँ पे वो अपनी मर्जी से और अपनी दिलचस्पी से सीखें अब इसमें ख़ास तौर पर लैंग्वेज कॉर्नर है एक जहाँ किताबें पढ़ी हैं छोटी छोटी स्टोरी बुक्स हैं जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी टीचर उनको कभी तो रीड अलाउड करवाती है और कभी वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जिस किताब को चाहें उठाएं उसके पेज पलटें तस्वीरें देखें उसके अल्फाज पढ़ने की कोशिश करें और दूसरा लाइब्रेरी कॉर्नर है हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर में हर तरह की स्टोरी बुक्स हैं जब लैंग्वेज कॉर्नर की बात करते हैं तो वहाँ उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें रख सकते हैं लाइब्रेरी में तो हर तरह की तस्वीरें और हर तरह की चीज़ें होंगी और कुछ अच्छे जो हमारे ई सी रूम्स हैं वहाँ पे तो कुछ वीडियोस वगैरह का भी इंतज़ाम है कि बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी वीडियोस भी देख सकें फिर उनके लिए एक आर्ट कॉर्नर है यहाँ पे वो सारे आर्ट के जो हम जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे आ, मिस्ट्री बैग भी होगा वहाँ पेंसिलें होंगी वहाँ क्रेन्स होंगे रंग होंगे ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनको बच्चे इस्तेमाल करें और अपने क्रिएटिव आर्ट कर सकते हों तो कागज़ भी पड़े हों रंगीन कागज़ हों जिनके ऊपर बनाया जा सकता है लिखा जा सकता है और जो ड्रॉ करने का मटेरियल है वो वो भी वहाँ मौजूद हो फिर मैथ्स कॉर्नर है अब मैथ्स कॉर्नर में क्या क्या हो सकता है आप सोचें वहाँ पर काउंटिंग के लिए ब्लॉक्स हो सकते हैं वहाँ पे शेप्स हो सकती हैं वहाँ पे एबैक्स हो सकती है और वहाँ पे और ऐसे छोटे छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो जिनकी मदद से बच्चे रियल लाइफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर सकें जैसे मापने का फीता हो सकता है जिससे वो अपना कद माप लें या वहाँ पे वेट मशीन भी हो सकती है जहाँ वो अपना वज़न कर लें और फिर उनको पढ़ना सिखाया जाएगा कि इन डिजिट्स का या इन हिंसों का मतलब क्या है तो उनकी वहाँ पे उनको बड़ा अच्छा लगेगा जब वो वहाँ छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ या सरगर्मियाँ कर लेंगे जिनसे उनको मैथ के बारे में सोच सोच समझ पैदा होगी फिर साइंस कॉर्नर है यहाँ छोटे छोटे मॉडल्स भी साइंस के रखे जा सकते हैं और ऐसे ऐसी, ऐसी बहुत से ऐसे मटीरियल हैं जिनकी मदद से बच्चे अपना प्रोडक्ट खुद भी बना सकते हैं मसला अगर गुब्बारा पड़ा है और उसमें हवा भर के वो उसको छोड़ते हैं और गुबारा ऊपर की तरफ जाता है तो उनको बताया जा सकता है कि ये हवा है जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है हवा नीचे को आती है और उसके रिएक्शन में आपका गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत से कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए छोटी छोटी साइंस से मतलब चीज़ें जो हैं वो इनके कॉर्नर में रखी जाती हैं फिर होम कॉर्नर है होम कॉर्न सबसे दिलचस्प है इसमें जो जहाँ बच्चे रहते हैं उनके अपने कल्चर के मुताबिक जैसे हमारे पाकिस्तानी बच्चे गुड़िया और गुड़िया का घर बहुत पसंद करते हैं या जो हमारे लड़के हैं वो मुख्तलिफ़ कैरेक्टर जो है जैसे वो जो सुपरमैन है उसको पसंद करते हैं या वो एक अच्छा फार्मर बनना चाहते हैं या वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो कुछ भी तो इस तरह के करेक्टर जो हैं वो उनके लिए मौजूद हैं वो घर बनाएं उस घर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को अरेंज करें और जो आम तौर पर घरों में एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे छोटा सा किचन हो किचन में पकाना खाना पकाना और इस तरह की एक्टिविटीज़ हों कोई छोटा सा ऑफिस हो सकता है जिसमें बच्चे जो हैं वो अच्छे इंजीनियर बने और इंजीनियर सेट की मदद से कुछ चीज़ें ब्लॉक्स की मदद से कुछ ब्लॉक्स में चीज़ें बना लें तो इस तरह से उनके लिए मुख्तलिफ गोशे बनाए गए हैं और उन गोशों को एक ख़ास वक्त अभी हम देखेंगे कि कितना वक्त उन गोशों के लिए दिया जाता है तो उन गोशों में जाके वो अपनी अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीज़ें सीखते हैं